हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक्स करेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स लाइंस एंड एंगल्स, तो इस चैप्टर में हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लाइन स्ट्रेट होती है और लाइन को दोनों ही तरफ से इन्फिनिटली एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि दोनों ही तरफ से जितना हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, इधर भी एरो बना हुआ है और इधर भी एरो बना हुआ है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लाइन को इस तरफ से भी जितना हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और इस तरफ से भी जितना हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी एक एंड पॉइंट है और यहां पर भी एक एंड पॉइंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम क्या है, पी क्यू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट होती है क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जिसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो लाइन होती है क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट्स नहीं होते तो उसकी मेजरमेंट भी नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में। रे क्या होती है? अ रे इज अ लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो रे होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो इन्फिनिटली एक्सटेंड की जा सकती है। यानी कि एक तरफ से तो उसका एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरी तरफ से उसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रे है। देखिए, इसका इधर तो एंड पॉइंट है लेकिन इस तरफ एंड पॉइंट नहीं है, इस तरफ हमने ये एरो बनाया है, इसलिए ये क्या है, ये एक रे है जिसके एक साइड पर तो एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंगल्स के बारे में। एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जैसे कि 100 डिग्री, 110 डिग्री, 115 डिग्री, 130 डिग्री, ये सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी कि जो एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि 200 डिग्री, 220 डिग्री, 235 डिग्री, ये सभी एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एंगल्स के क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं। अब हम देखेंगे राइट एंगल क्या होते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल्स को हम राइट एंगल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये राइट एंगल का सिंबल होता है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। आपको किसी फिगर में ये वाला सिंबल नजर आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं, इसीलिए यहां पर हमने लिखा है स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्ट्रेट एंगल हमेशा एक लाइन के ऊपर बनता है। देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये स्ट्रेट एंगल है, इसकी मेजरमेंट क्या होगी 180 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि यहां पर हमने आपको दो एंगल्स बनाकर दिखाए हैं, ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो देखिए 40 प्लस 50 क्या होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स का सम क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमसे कहा गया स्टूडेंट्स चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमें चेक करके बताना है कि वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, पहला एंगल है 63 डिग्री और दूसरा एंगल है 27 डिग्री। अब हमें ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि 63 डिग्री और 27 डिग्री ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। तो हम ये कैसे चेक करेंगे? हम सिंपली इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा है सिंस 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू। अब हम 63 डिग्री और 27 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 90 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आ चुका है तो अब हम यहां पर लिखेंगे सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ गया है इसलिए ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, पहला एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 50 डिग्री। हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कि क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा है सिंस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू, और 60 प्लस 50 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 110 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का सम क्योंकि 110 डिग्री आया है और ये इक्वल नहीं है 90 डिग्री के, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं आया है इसलिए ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अब जो एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से ही रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री। यहां पर आपको एक एंगल दिया गया है 20 डिग्री और आपको कहा गया है कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री बी एक्स, यानी 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसे हमने लेट कर लिया है कि वो एक्स है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इसका सम किसके इक्वल रखेंगे 90 डिग्री के इक्वल रखेंगे। अब ये एक्स यहां पर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज आएगा, ये 90 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब ये जो 20 डिग्री यहां पर है स्टूडेंट्स इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे और यहां पर ये 20 डिग्री पॉजिटिव है तो जब ये राइट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव 20 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक्स यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ जाएगा, 90 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 70 डिग्री। और x हमने किसको रेट किया था, x क्या था स्टूडेंट्स, x था 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 70 डिग्री है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ऐसे दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
यहाँ पर हमने आपके लिए दो एंगल्स बनाकर दिखाए हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 120 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री एंड 60 डिग्री ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री, यानी हमें 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा स्टूडेंट्स, लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री बी एक्स, यानी 70 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसे हमने एक्स लेट कर लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब ये एक्स यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 180 डिग्री भी अपनी जगह पर है। ये जो 70 डिग्री यहां पर है इसे हम यहां से राइट साइड में ले आएंगे, यहां पर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में आके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। 180 में से अगर आप 70 माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 110। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है 110 डिग्री, और x हमने क्या रेट किया था स्टूडेंट्स, हमने x रेट किया था 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 110 डिग्री। और आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करके भी देख सकते हैं, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री का सम होता है 180 डिग्री, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल भी सप्लीमेंट्री एंगल से ही रिलेटेड है। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और हमें चेक करना है कि वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, हमें चेक करना है कि 80 डिग्री एंड 100 डिग्री ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने लिखा है सिंस 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, और 100 डिग्री और 80 डिग्री का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया है तो यहां पर हम लिखेंगे सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी कि क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है इसलिए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें यहां पर दो एंगल्स दिए गए हैं, पहला एंगल है 100 डिग्री और दूसरा एंगल भी 100 डिग्री है, हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में फिर से हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे। हमने यहां पर लिखा सिंस 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू, अब अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 100 प्लस 100 क्या होता है स्टूडेंट्स, 200, तो यहां पर हम लिखेंगे 200 डिग्री, जो किसके इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन यहां हम लगाएंगे, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम आया वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो यहां पर हम लिखेंगे सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट सप्लीमेंट्री, इसलिए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, इसका मतलब यह है कि दो एंगल्स को हम तभी एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं अगर ये दो एंगल्स इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि दो एंगल्स तभी एडजेसेंट एंगल्स होंगे अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। तो अब देखिए कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम एक रे बनाते हैं ये, ठीक है, और यहां पर हम एक रे और बनाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एंगल होता है
एंगल हमेशा दो रेस के मिलने से बनता है, और ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट इन दोनों ही रेस का कॉमन एंड पॉइंट है, ये दोनों ही रेस का कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट जहां पर दो लाइंस आपस में मिलती हैं या दो रेज आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां पर देखिए कॉमन वर्टेक्स क्या है और वो दो एंगल्स कौन से हैं जो कि एडजेसेंट एंगल होंगे। देखिए यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल वन एंड एंगल टू। एंगल वन को हम एंगल ए ओ सी भी कह सकते हैं और एंगल टू को हम एंगल बी ओ सी भी कह सकते हैं। अब इन दोनों ही एंगल्स में अगर आप देखें तो पहला एंगल है एंगल एओसी, इसमें भी ओ पॉइंट आ रहा है, और अगर हम ये सेकंड एंगल देखें तो इसका नाम क्या है, एंगल बीओसी, इसमें भी ओ आ रहा है। यानी इन दोनों ही एंगल्स में ओ एक कॉमन वर्टेक्स है, तो एक प्रॉपर्टी तो यहां पर सेटिस्फाई हो गई इन दोनों एंगल्स के लिए, जो कि इन दोनों एंगल्स के एडजेसेंट एंगल होने के लिए जरूरी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, यानी कि दो एंगल्स तभी एडजेसेंट एंगल होते हैं जब उनमें एक कॉमन आर्म हो। यहां पर जो ये रेज होती है स्टूडेंट्स, ये रेज को ही आर्म्स कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो पहला एंगल है उसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ सी। अब इसमें देखिए ओ सी आर्म आ रही है, और जो सेकेंड एंगल है उसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी ओ सी। इसमें भी देखिए ओ सी आर्म आ रही है, यानी इस एंगल में भी एक आर्म कौन सी है, ओ सी आर्म, और इस एंगल में भी एक आर्म कौन सी है, ओ सी आर्म। और जो आर्म है वो और कुछ नहीं, रे को ही आर्म कहा जाता है। अब इन दोनों ही एंगल्स में ओसी आर्म कॉमन है, यानी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स उनकी कॉमन आर्म के अलग अलग साइड्स पर आती हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही एंगल्स में जो कॉमन आर्म है वो है OC, जबकि जो AO आर्म है और जो BO आर्म है ये कॉमन आर्म्स नहीं है, ये ऐसी आर्म्स है जो कि दोनों ही एंगल्स में नहीं आ रही है। ये वाली आर्म सिर्फ इस एंगल में आ रही है और ये वाली आर्म सिर्फ इस एंगल में आ रही है। अब देखिए ये दोनों ही आर्म्स इस कॉमन आर्म की अलग अलग साइड पर हैं, ये वाली आर्म इस कॉमन आर्म के इस साइड में है और ये वाली आर्म इस कॉमन आर्म के इस साइड में है। अब क्योंकि इन दोनों ही एंगल्स ने एडजेसेंट एंगल्स की तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी ये क्या है, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी आर एडजेसेंट एंगल्स, और एंगल एओसी को आप एंगल वन कह सकते हैं और एंगल बीओसी को आप एंगल टू कह सकते हैं। देखिए एंगल एओसी यही एंगल वन है और एंगल बीओसी यही एंगल टू है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लीनियर पेयर को समझेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है जिनकी नॉन कॉमन साइड्स या नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती हैं। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक है एंगल एओसी और दूसरा एंगल है एंगल बीओसी। देखिए दोनों में ही एक कॉमन आर्म है ओसी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो रेज हैं, एक ओबी रे है और एक ओए रे है, ये दोनों रेज यहां पर अपोजिट साइड में जा रही हैं, और इन दोनों का यहां पर ये कॉमन वर्टेक्स भी है, तो एंगल एओसी और एंगल बीओसी कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर आप इन दोनों अपोजिट रेज को ध्यान से देखें तो ओबी रे और ओए रे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, और ये दोनों जब आपस में मिल गई तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ये एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है। और यहां पर जो ये ओसी रे है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रही है, ये इस 180 डिग्री एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 180 डिग्री ही तो यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना। इस वाले एंगल को हमने एंगल वन का नाम दिया और इस एंगल को हमने एंगल टू का नाम दिया। इस एंगल को आप एंगल ए ओ सी भी कह सकते हैं और इस एंगल को आप एंगल बी ओ सी भी कह सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स एंगल ए ओ सी यानी के ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी यानी के ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर में हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर एक रे उस 180 डिग्री के एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, और ये दोनों एंगल्स ही लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब हम लीनियर पेयर से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहां पर हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और उसके ऊपर ये रे दी गई है जो इस 180 डिग्री के एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। हमें यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर दो एंगल्स कौन से हैं, एक एंगल है एक्स और दूसरा एंगल है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को हम यहाँ एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ एज इट इज रहेगा, 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा। ये 120 डिग्री यहां से हम राइट साइड में ले जाएंगे, यहां पर ये पॉजिटिव है तो यहां आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एक्स यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन यहां एज इट इज आएगा। 180 में से अगर आप 120 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो दो लाइन्स के एक दूसरे को काटने से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दो लाइंस एक दूसरे को काट रही है यहां पर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहां पर एंगल वन और एंगल टू को देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल थ्री और एंगल फोर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी आपस में इक्वल हैं। यहां पर हमने यही लिखा है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, यानी एंगल वन और एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और आपस में इक्वल भी हैं। ऐसे ही एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।